सांसद के समर्थन में आवे। मुझे अपने लाइफ का ये क्षण है वो हमेशा याद रहेगा। बहुत मुझे भी आनंद आया, मेरे मतदाताओं को भी आनंद आया, मेरे कार्यकर्ताओं को भी बहुत आनंद आया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस तो खुद को वोट नहीं दे रही है, दूसरों को दिलवा रही, तो वही मेरी जीत है। ये जीवन में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री सांसद के समर्थन में आवे। मुझे अपने लाइफ का ये क्षण है वो हमेशा याद रहेगा। बहुत मुझे भी आनंद आया, मेरे मतदाताओं को भी आनंद आया, मेरे कार्यकर्ताओं को भी बहुत आनंद आया। आपने शुरू यहाँ कॉलेज से लेकर के शुरुआत की, उसके बाद सांसद के चुनाव आज लड़ रहे हैं, आपने वो अनुभव भी साझा किया कि किस तरह से संघर्ष में लोग साथ थे, आज किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? मैं कॉलेज स्कूल का सबसे पहले तो सिटी हाट संगठी स्कूल के अंदर मैं अध्यक्ष बना, यही कॉलेज के अंदर मैं उपाध्यक्ष बना, फिर कॉलेज का अध्यक्ष बना, और पिछले 40 सालों से ये कॉलेज मेरे भाग्य का फैसला करती है हमेशा। खूब चुनाव यहाँ से मैं जीत के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका हूँ मैं, अब दूसरी बार ये चुनाव लड़ रहा हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री की जिस तरह से रैली हुई है और जनता में जो उनके प्रति भाव थे, उत्साह था, उस तमाम चीज़ों को देखते हुए इस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सबको रेल लाइन से जोड़ने, विकास के कई सारे काम, उन सब कामों को आप आगे किस तरह बढ़ाएंगे? प्रधानमंत्री जी न तो कागज लेके आए थे, न हमसे उन्होंने पूछा था, ऐसा लग रहा था कि वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। जब इनके दिमाग में ये बातें हैं और देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, ये काम रुकने वाले थोड़ी। उन्होंने जो बात मैंने अपने भाषण में कही माही के बारे में, पावर प्लांट के बारे में, सड़कों के बारे में, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री जी ने आप पे कही, तो आने वाले समय में तमाम कामों को हम पूरा करेंगे। आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है, इसमें बहुत सारे आदिवासी, प्रधानमंत्री ने कहा उन बहनों को, माताओं को मैंने कोविड में भी मदद करी, आगे भी आने वाले दिनों में उनका परिवार कैसे देश के लिए आगे काम आए उसके लिए काम करें। उन्होंने लखपति दीदी का नाम लिया, स्वयं सत्ता समूह का नाम लिया, कोविड का भी नाम लिया, मकानों का भी नाम लिया, तो ये तमाम योजनाएं वो खुद बनाते हैं और कहां लागू करना है इनके सबके दिमाग में है। आने वाले जो 5 साल होंगे वो देश के लिए ऐतिहासिक काम होंगे मोदी साहब के। मलय जी, आप खुद में कांग्रेस में थे, आपकी लड़ाई कांग्रेस से है, बाप है, जो नई पार्टी बनी है विधानसभा में उसके 3 सीटें भी, इसको लेकर क्या किस तरह किया? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस तो खुद को वोट नहीं दे रही है, दूसरों को दिलवा रही, तो वही मेरी जीत है। मैं और सीट की बात नहीं करता, इस सीट के ऊपर जनता के मन में मोदी साहब को वोट देना और मुझे जिताने के लिए बहुत उत्सुकता है और भारी मतदान होगा, हम देखेंगे 26 तारीख को। मोदी जी ने ये भी कहा इस सीट से मेरा पुराना नाता है, गुजरात के मुख्यमंत्री था तब से 13 साल वो और 10 साल ये। उन्होंने बेणेश्वर का नाम लिया, माँ त्रिपुरा सुंदरी का नाम लिया, जब वो यहाँ पे आए हैं तभी तो नाम लिया, और बेणेश्वर का नाम लेने से, माँ त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेने से ही मेरे तो 10% वोट बढ़ गए। आपकी जीत सुनिश्चित हो और कितनी बड़ी जीत होगी? जीत तो अच्छी ही होगी, अभी आप कहीं भी पता लगा लो, राजस्थान के अन्य क्षेत्र में जो मीटिंग हुई है वो और बांसवाड़ा की मीटिंग में रात दिन का अंतर है। आज लाखों की संख्या में लोग थे, लाखों की संख्या में, ऐसा जनसुलाभ तो बांसवाड़ा में पहली बार देखने को मिला। लोगों ने भी सुबह से ही पलके पावड़े बिछा के मोदी जी का इंतजार कर रहे थे, हमने भी देखा पूरा शहर चारों तरफ लोग मोदी जी कर रहे थे। इसको किन शब्दों में वर्णन करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं, इतना उत्साह तो कहीं देखने को मिलता भी नहीं। बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, सबके मुंह में एक